लालकुआं प्रदेश के मुखिया द्वारा पत्रकारों को धमकाने वालों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के आदेश व निर्देशों के बावजूद पत्रकारों को धमकाने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला हल्दू चौड़ का है, जहां चल रहे अवैध मिट्टी खनन के काले कारोबार की खबर प्रकाशित करना हल्दू चौड़ के पत्रकार को महंगा पड़ गया। खबर छपने से नाराज खनन माफियाओं ने पत्रकार के घर पहुंचकर उसकी पत्नी से पत्रकार के बारे में पूछताछ की, जिस पर पत्रकार ने अपने परिवार व अपनी जान माल के खतरे की आशंका जताई, जिससे नाराज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन एवं क्षेत्र के दर्जनों पत्रकारों ने हल्दू चौड़ पहुंचकर चौकी इंचार्ज अजेंद्र प्रसाद से मुलाकात कर मामले की लिखित तहरीर चौकी इंचार्ज को सौंपी, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इस मौके पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के वरिष्ठ सदस्य शोएब खान, जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर ए एन तिवारी, हल्दुवानी नगर इकाई के संयोजक योगेश शर्मा, पत्रकार शेर अफगान, लालकुआ नगर इकाई के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, महामंत्री अजय अनेजा, हल्दू चौड़ इकाई के अध्यक्ष रमेश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार उमेश राणा, अवनीश चौधरी, मुकेश कुमार, मुकुल आर्य, योगेश दुमका, विनोद गुप्ता सहित कई पत्रकार मौजूद थे।